जय हिंद। समझते हैं कि वायुमंडल में इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, हमारे वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, जिसका हमारे श्वसन में कोई रोल नहीं होता है, जो ऑक्सीजन है वो मात्र 21% है। तो हम जितना सांस लेते हैं ना, उसका 21% ही हमारे उसमें जाता है और 1% अदर गैसेज है वहाँ पर। तो इस 21% में से फेफड़े को नाइट्रोजन अलग करना पड़ता है, बाकी सारे गैसों को अलग करना पड़ता है। लेकिन जब हमारा फेफड़ा डैमेज हो जाता है बीमारियों की वजह से, तो वो ये सारी क्रिया को नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि उसको टोटल का टोटल प्योर ऑक्सीजन दे और उस ऑक्सीजन को उसे छांटना ना पड़े। हालांकि फेफड़े टोटल दिए गए ऑक्सीजन का केवल 4% ही लेते हैं, 21% ऑक्सीजन जो लिया जाता है उसका 4% ही यूज हो पाता है। लेकिन यहाँ पर फेफड़ों को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, सबसे पहले नाइट्रोजन और अलग की गैसों करो, फिर उसमें से 4% निकालो। इसलिए मरीज को डायरेक्ट दिया जाता है 99% शुद्ध ऑक्सीजन, जिसमें से वो उसका शरीर उस 4% के आसपास ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन होती है, वो जो छोटी सी मशीन है, ये हवा से ऑक्सीजन को सक करती है और इस सक किए हुए ऑक्सीजन को भेज देती है फेफड़े में। ये 85 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन को ये खींच लेती है। ये छोटी सी मशीन होती है, नेबुलाइजर बोलते हैं। ये स्टीम बनाने के भी काम आती है। तो अक्सर इसका प्रयोग वैसे मरीजों को किया जाता है जिनके दवाइयों को भाप बना के फेफड़े तक पहुंचाना होता है। अक्सर इसका प्रयोग अस्थमा के मरीज करते हैं, लेकिन इसका कोरोना में प्रयोग करना घातक है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भैया इसमें हम दवा नहीं डालेंगे। आप जब इसमें दवा डाल देते हैं तो ये नेबुलाइजर क्या करता है, उस दवा को स्टीम बना के और इसके भाप के साथ आपके फेफड़े में छोड़ देता है, तो जिसके साथ आपकी दवा भी बहुत अच्छे से फेफड़े तक चली जाती है। लेकिन दमा और अस्थमा में इसका प्रयोग करना उचित था, लेकिन इस तरह के अस्थमा के कोरोना के मरीज को इसका प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें उतना ऑक्सीजन नहीं रहता है जितना कि कोरोना के पेशेंट को चाहिए रहता है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हवा से ऑक्सीजन को सक करता है, उसमें से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को बाहर करके हमें ऑक्सीजन देता है। ये एक डिवाइस होती है, ये कई शेप में आती है, कुछ पोर्टेबल भी होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। इनमें 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन होता है, यानी ये नेबुलाइजर से ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिजली या फिर बैटरी के सप्लाई से चलाया जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह, इसमें कभी ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है। अगर इसमें पावर सप्लाई है तो ये ऑक्सीजन कंटिन्यूअस बनाते रहेगा। इसमें ऑक्सीमीटर लगा रखे हैं, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो होते हैं, ये इसमें ना सीरियस मरीज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये केवल माइल्ड यानी हल्के या फिर मीडियम मॉडरेट लेवल के मरीजों के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। सीरियस प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए इसे आईसीयू में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों नहीं रखा जाता है, देखिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बहुत लो प्रेशर होता है। ये 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ही ऑक्सीजन देता है, 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन को ये फ्लो करा सकता है। लेकिन जो एक गंभीर रूप से मरीज बीमार है, जो आईसीयू में है, कोरोना एकदम भयानक स्थिति में है, उसको 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जो आईसीयू में रहते हैं। तो ये केवल 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट दे सकता है वो लो प्रेशर पे, इसलिए इसका प्रयोग हम आईसीयू में नहीं करते। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के जो स्थिति आई है, इसमें ऑक्सीजन है जिसको, मतलब हाई प्रेशर ऑक्सीजन सबको दिया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी होने की वजह से। ये बहुत हल्का होता है, जिस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन ये काफ़ी महंगे आते हैं, 30 से 50 हज़ार के रेंज में ये आते हैं। इनमें एक ही खासियत होती है, इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह रिफिल नहीं करना पड़ता, ये कभी ख़त्म नहीं होते, इलेक्ट्रिक है या बैटरी है तो ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो काम करता है PSA टेक्नोलॉजी पर। PSA का मतलब प्रेशर स्विम एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होता है। इसके तहत ऑक्सीजन हवा से गैसों को लिया जाता है, सक किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन और बाकी गैसों को छोड़कर और ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर लिया जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। ये छोटे मात्रा में होता है, इसको बड़े प्लांट में लगा दिया जाता है। जब इसी कंसंट्रेटर का बहुत बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं PSA प्लांट। इसी प्लांट को बहुत से बाहरी हॉस्पिटल वगैरह के बाहर लगाए गए हैं। इवन मोदी जी ने भी जो घोषणा किया है इसी प्लांट के बारे में, उन्होंने कहा है कि जो PM केयर फंड में पहले 162 और अभी 551 के आसपास, मतलब 550 के आसपास, वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो बड़ा रूप है जिसे हम लोग PSA कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी लगाने की बात की गई है हर एक हॉस्पिटल के बाहर। देखिए, देश में अभी भी ऑक्सीजन का टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ किल्लतें दूर हुई हैं लेकिन अभी भी उतना दूर नहीं हुआ है। इसको गवर्नमेंट अगर चाहे तो और इम्प्रूव कर सकती है। देखिए, जितने ऑटो इंडस्ट्री होते हैं, गाड़ियाँ जो सड़क पर चलती हैं, इनके टायरों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है और इन्हें बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जनरेटर होता है जो काफ़ी सिंपल काम करता है, वो भी PSA टेक्नोलॉजी पर ही
काम करता है, वो क्या करता है, हवा को लेता है, सब करता है और कंप्रेसर लगाता है। कंप्रेसर के बाद वो क्या करता है, उसको अलग अलग उसके जितने भी पार्टिकल्स है उसे साइड कर देता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है और नाइट्रोजन गैस को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, तो और उसी नाइट्रोजन गैस को गाड़ियों के टायर वगैरह में भर दिया जाता है। इसमें एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी होती है, एक फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर से जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को गुजारते हैं तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, हवा में रिलीज कर देता है और नाइट्रोजन को पकड़ लेता है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस उस जनरेटर के पास इकट्ठा हो जाती है और एक बड़े से टैंक में उस नाइट्रोजन गैस को रख लिया जाता है। और जब आप गाड़ियां भरवाने जाते हैं, जब गाड़ी मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर में, तो आपको इस तरह की मशीन देखने को मिलती होगी, ये आपके टायर में नाइट्रोजन भर देती है। जहां इस नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहां इस तरह का चीज प्रयोग करते हैं। चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट या जो भी पैकेटिंग सामान पैक होता है उसके अंदर हवा भरा होता है, वो नाइट्रोजन ही गैस होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके फिल्टर को चेंज कर सकती है और इसी से ऑक्सीजन बना सकती है, क्योंकि यहाँ जो फिल्टर लगा होता है वो फिल्टर ऑक्सीजन गैस को हवा में छोड़ देता है और नाइट्रोजन को रख लेता है। अगर इसके फिल्टर को हम चेंज कर दें और ठीक इसका रिवर्स कर दें कि ये नाइट्रोजन को छोड़ दे और ऑक्सीजन को रख ले, तो जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं या चिप्स पैकेट ये सब बनाने वाली कंपनी है, उन सब के पास नाइट्रोजन गैस का प्लांट है, उन गैस प्लांट से हम ऑक्सीजन इजीली जनरेट कर सकते हैं। और ये फिल्टर बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर सरकार चाहे तो 48 घंटे में ऐसे फिल्टर बना के और एनओसी देके उसे तुरंत तत्काल प्रभाव में लिया जा सकता है। और हमारे देश में जहां जहां भी नाइट्रोजन प्लांट है या फिर गाड़ियों के जो सर्विस सेंटर है वहां वहां इस फिल्टर को चेंज करके ऐसा किया जा सकता है। नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद अब हम समझते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी कहते हैं, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम से आप जानते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब आप उसका रेगुलेटर खोलते हैं तो वो गैस का रूप ले लेता है। जिस तरह आपके घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है, जब वो पाइप से गुजर रहा होता है तो देखते होंगे वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, इसलिए उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। वैसी तरह इसे LMO कहते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसे काफी ठंडा टेम्परेचर पर रखना होता है, इसलिए इसे क्रायोनिक ऑक्सीजन टैंकर कहते हैं। यह बहुत ही कम टेम्परेचर पर बनाया जाता है, जहां पर इस टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन बनती है वो काफी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसके टेम्परेचर को -185 डिग्री रखना होता है। लेकिन ऐसे रखने से हमें क्या होता है कि सेम बर्तन में हम 80 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रख सकते हैं। अगर किसी बोतल में हम ऑक्सीजन को अगर गैस के रूप में रखते हैं और उसी बोतल में अगर हम लिक्विड के रूप में रखते हैं तो 80 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में, इससे भी ज्यादा स्टोर हो सकता है। तो ऐसे जगहों पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है, वहां से इस क्रायोनिक टैंकर से इसे ले जाया जाता है और हॉस्पिटल का अपना अपना एक टैंकर होता है, उस टैंक में भर दिया जाता है और उस टैंक से सप्लाई यही रहती है, जहां से अलग अलग ये जो ऑक्सीजन के कंटेनर होते हैं इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में इसे भरा जाता है और इसे जरूरत के हिसाब से दूसरे जगहों पर भेज दिया जाता है। अलग अलग टैंक की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब आप कहेंगे कि सर जो मरीज सीरियस है उसकी क्षमता जो होती है वो एक मिनट में 50 लीटर सांस ले लेता है, तो ये कितने क्षमता के होते होंगे, तो अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है, साइज के हिसाब से कैपेसिटी होती है। ये लगभग 4000 लीटर की क्षमता का भी आता है पर मिनट, अगर आपको 50 लीटर की जरूरत है तो इसके पास जो क्षमता होती है बड़े साइज वाले के 4000 से 5000 लीटर की क्षमता होती है। तो अलग अलग क्षमता पे इसे अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की खासियत क्या होती है, इसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन पाया जाता है और ये बहुत ही प्रेशर के साथ भेजता है। प्रेशर के साथ भेजने की वजह से इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा रहता है, 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन ये पर मिनट दे सकता है, जिस वजह से इसका प्रयोग हम सीरियस मरीजों के लिए करते हैं जो ICU में भर्ती होते हैं। लेकिन इनकी समस्या यही है कि इनसे आप 24 घंटे सप्लाई नहीं ले सकते हैं, जैसे इनका टैंकर खाली होता है तो ये सप्लाई देना बंद कर देते हैं, इन्हें रिफिलिंग करना पड़ता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि इनको किसी भी तरह के पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई या बैटरी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी ज्यादातर प्रयोग हॉस्पिटलों में इसी का प्रयोग हो रहा है, यही ट्रेडिशनली प्रयोग होता ही आया, एम्बुलेंस वगैरह के अंदर भी यही रखा रहता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को